गलत बात है और यह आपको शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर टेंशन मत लीजिएगा, मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको एट्रिशन निकालना बताऊँगा, जिससे आप सीख कर अपने सीनियर्स की रिपोर्ट बनाने मदद कर पाएंगे और ऑफिस में अपना इंप्रेशन जमा सकते हो। हेलो गाइस, मेरा नाम शेख सिंह है और माय एचआर लेसन में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, नीचे कमेंट रिएक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देखिए एक्सेल शीट है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि एट्रिशन कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एट्रिशन का फॉर्मूला क्या होता है, एट्रिशन रेट होता क्या है। एट्रिशन जैसे किसी कंपनी में अगर बंदे कंटिन्यू छोड़ रहे हैं जॉब को, तो पता लगाना पड़ता है कि जो जॉब छोड़ रहे हैं एट्रिशन, उसे जॉब छोड़ने का जो रीज़न होता है और उसका रेट होता है, उसे एट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो एट्रिशन रेट जैसे होता है ना कि भाई मैनेजमेंट मांगता है कि एट्रिशन रेट निकालो कंपनी में, हमारी कंपनी में एट्रिशन रेट क्या है कि एम्प्लॉइज ज़्यादा जॉब छोड़ रहे हैं, तो तब वो एट्रिशन रेट कैलकुलेट करना होता है। और एट्रिशन रेट कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, सबको आना चाहिए। एचआर में जो बंदे काम कर रहे हैं खासकर, उनको ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला एट्रिशन रेट का क्या है। एट्रिशन रेट इक्वल टू नंबर ऑफ एट्रिशंस। नंबर ऑफ एट्रिशंस से मतलब है कि कितने बंदे पर्टिकुलर आप एक मंथ का निकाल रहे हो, तो उस मंथ में कितने बंदे छोड़ के गए, लेफ्ट हो गए। तो नंबर ऑफ एट्रिशन में यहाँ पे लेफ्ट एम्प्लॉयज़ आएंगे पर्टिकुलर मंथ, ओके। उसके बाद डिवाइडेड बाय एक्चुअल एम्प्लॉयज़ प्लस न्यू जॉइन, उस मंथ में एक्चुअल एम्प्लॉयज़ कितने हैं और उस मंथ में कितने न्यू जॉइन हुए हैं, प्लस उसमें प्लस हो जाएंगे, ठीक है, इंटू 100। तो दोस्तों, मैं आपको एक डाटा दिखा देता हूँ। ये हमने अप्रैल, मई, जून तीन मंथ्स का एग्जांपल के तौर पे लिया है कि इन तीन मंथ्स में इतने एम्प्लॉयज़ लेफ्ट, एम्प्लॉयज़ एट्रिशन, टोटल एट्रिशन इतने एम्प्लॉयज़ लेफ्ट हुए हैं और इतने इतने एम्प्लॉय न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं, जैसे 22 है, 39, 23 ये न्यू ज्वाइनिंग है एम्प्लॉयज़। उसके बाद टोटल मैन पावर, ओपनिंग बैलेंस, उस मंथ में टोटल मैन पावर कितनी थी, टोटल मैन पावर ये थी दोस्तों, मतलब पर्टिकुलर मंथ में, जैसे अप्रैल में 2110 मैन पावर थी और 115 बंदे लेफ्ट मतलब छोड़ के गए हैं और न्यू ज्वाइनिंग 22 हुई है, ठीक है। तो इसमें एट्रिशन रेट हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा क्या आएगा, नंबर ऑफ एट्रिशंस। अब अप्रैल का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ एट्रिशन में कितना आएगा, 115, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे एक्चुअल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 2110, 2110। इसमें आप न्यू ज्वाइनिंग प्लस करोगे, प्लस न्यू ज्वाइनिंग कितने हैं, 22, ओके, एंड ब्रैकेट अब बंद कर दोगे, उसके बाद इनटू कीजिए 100। ये देखिए दोस्तों, एट्रिशन रेट क्या है, 5.39। आप इसको परसेंटेज में ला सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और फॉर्मेट में जाके आप फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे जाके परसेंटेज, आपको 2 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, उस पर क्लिक करके आप चेंज कर दीजिएगा। तो हमारा इतना परसेंटेज है, इसमें आप 1 डेसिमल और हटा सकते हैं, एट्रिशन रेट 539% है, क्योंकि 115 एम्प्लॉयज़ ने छोड़ के गए हैं जबकि ज्वाइनिंग 22 एम्प्लॉयज़ की हुई है, तो एट्रिशन रेट बहुत हाई है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी को सोचने की ज़रूरत है कि एट्रिशन रेट को कैसे कम किया जाए, इसलिए कंपनी एट्रिशन रेट एचआर से मांगती है कि एट्रिशन रेट कंपनी की है क्या। सेम ऐसे ही हम बाकी मंथ्स के आप निकाल लेंगे, मई के भी निकाल लेंगे, जून की निकाल लेंगे, और ईयरली की अगर निकालना है तो ईयरली का भी आप ऐसे मंथली ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।